हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे केस ऑफ प्रोटेक्शन के बारे में, यानी कि हम समझेंगे कि प्रोटेक्शन क्यों किया जाता है, एक देश प्रोटेक्शन पॉलिसी का यूज कब करती है, और इसके फेवर में आप कौन कौन से आर्गुमेंट दे सकते हैं जिसकी वजह से प्रोटेक्शन करना किसी कंट्री के लिए जरूरी हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो दो तरीके की कमर्शियल पॉलिसी होती हैं जो कोई देश इंटरनेशनल ट्रेड करते समय यूज करता है। एक तो होता है फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड के बारे में हम आगे वीडियो में और समझेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि फ्री ट्रेड में जब एक देश किसी और दोस्त के साथ ट्रेड करता है तो उस इंटरनेशनल ट्रेड करते समय किसी भी तरीके का बैरियर्स नहीं होता। तो जब सभी तरीके के बैरियर्स इंटरनेशनल ट्रेड में हट जाते हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं फ्री ट्रेड पॉलिसी। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन की। तो प्रोटेक्शन रेफर टू अ पॉलिसी वेयर बाय डोमेस्टिक इंडस्ट्री आर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। यानी कि इस केस में क्या होता है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको फॉरेन कंपटीशन से बचाया जाता है। देखिए क्या होता है, कई बार विदेशी जो गुड्स है वो इतनी चीप होती है, इतनी सस्ती होती है कि अगर वो मार्केट में आ जाए तो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बिल्कुल खत्म कर देगी। तो अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना है तो गवर्नमेंट को कई तरीके के बैरियर्स लगाने पड़ते हैं इंटरनेशनल ट्रेड पर, ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको नुकसान ना हो। तो ये जो बैरियर्स होते हैं ये टैरिफ बैरियर भी हो सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट टैक्स का यूज भी कर सकती है, और इसके अलावा नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हो सकते हैं, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में समझेंगे कि कौन कौन से टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से प्रोटेक्शन किया जाता है। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि प्रोटेक्शन उस ट्रेड पॉलिसी को कहते हैं जिसमें एक देश अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को विदेशी कंपटीशन से बचाता है। इसके लिए चाहे वो टैरिफ पॉलिसी का यूज करे, चाहे वो नॉन टैरिफ पॉलिसी का यूज करे, लेकिन उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को विदेशी कंपटीशन से, फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना होता है, ताकि जो डेवलपमेंट है डोमेस्टिक इंडस्ट्री का वो चलता रहे। प्रोटेक्शन के बारे में आप एक बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि प्रोटेक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड करे ही नहीं, बल्कि प्रोटेक्शन का मतलब है कि केवल उन्हीं चीजों का इंपोर्ट करे जिनको इंपोर्ट करना जरूर है, टेक्निक जरूरी है, जो आपके पास चीजें नहीं है उनको जरूरी है। लेकिन प्रोटेक्शन का मतलब है कि जो फ्री ट्रेड होता है उसमें बैरियर इकट्ठे करना। यानी कि ऐसा ना हो कि कोई भी आके हमारा हमारे देश में सामान बेच दे, कोई भी आके हमारे यहाँ से हमारे इंडस्ट्री सेटअप कर ले, तो उस पूरे के पूरे फ्री ट्रेड प्रोसेस को रोकना ही प्रोटेक्शन है। इसके फेवर में कौन कौन से आर्गुमेंट दिए जाते हैं, तो सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट आर्गुमेंट। जो लोग एम्प्लॉयमेंट आर्गुमेंट देते हैं उनका कहना है कि अगर आप देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, तो आपको डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर फॉरेन कंपटीशन मार्केट में आएगा और डोमेस्टिक इंडस्ट्री खत्म हो जाएंगी तो उस केस में आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है देश का वो गिर जाएगा। तो अगर देश में एम्प्लॉयमेंट लेवल को ऊंचा रखना है, हाई रखना है, तो आपको डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। दूसरा है टर्म ऑफ ट्रेड आर्गुमेंट। अब ये टर्म ऑफ ट्रेड क्या होती है? टर्म ऑफ ट्रेड का मतलब है, दो सेंस में ले सकते हैं, कि आपको कितने अमाउंट की गुड्स एक्सपोर्ट करके कितने गुड्स अमाउंट की गुड्स इंपोर्ट होती है, या कितनी गुड्स एक्सपोर्ट करके कितनी गुड्स इंपोर्ट होती है। यानी कि या तो इसे वॉल्यूम में ले सकते हैं या अमाउंट मनी वैल्यू में ले सकते हैं। तो अगर आपका टर्म ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल टर्म ऑफ ट्रेड का मतलब है कि आपको कम गुड्स वहां से परचेज कर पाते हो आप,
और ज्यादा गुड्स उसके लिए आपको सेल करनी पड़ती है, एक्सपोर्ट करनी पड़ती है। तो इस केस में आपका जो टर्म ऑफ ट्रेड है वो अनफेवरेबल हो गया। तो टर्म ऑफ ट्रेड में अगर आप सुधार करना चाहते हो, टर्म ऑफ ट्रेड में अगर आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, तो आपको अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। तीसरा आर्गुमेंट है बार्गेनिंग आर्गुमेंट। तो जो लोग बार्गेनिंग आर्गुमेंट की बात करते हैं, उनका ये मानना है कि अगर आप अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करोगे तो आपकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होगी, ताकि जो चीज आप खरीदना चाहते हो विदेश से उसके लिए आप प्रॉपर बार्गेनिंग कर पाओगे। क्योंकि अगर आप सारी चीज विदेशों से खरीदोगे तो आपकी बार्गेनिंग पावर गुड्स खरीदने की वो कमजोर हो जाएगी। चौथा है एंटी डंपिंग आर्गुमेंट। डंपिंग के बारे में हम और आगे वीडियो में हम समझ चुके हैं, इसमें हम आपको बता देते हैं डंपिंग क्या होती है। डंपिंग उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें एक देश अपने यहां तो गुड्स को बेचता है महंगे प्राइस पर, लेकिन जब वो विदेशी बाजार में आता है उसी गुड्स को बहुत सस्ते प्राइस पर बेचता है, ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री उस देश में चल रही है उन सबको खत्म कर दे। तो अगर ऐसा कोई पॉलिसी यूज कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि एक गुड्स जो है वो चाइनीज में बिक रही है 100 रुपीज में, रुपीज के टर्म में बता रहे हैं, और वही गुड्स इंडिया में बेच रहा है वो 50 रुपीज की, रुपीज के टर्म में हम आपको दोनों बता रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो गुड्स है वो इंडियन मार्केट में डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डैमेज कर देंगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप उसे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो अगर आप एंटी डंपिंग आर्गुमेंट्स, यानी कि आपको इन चीजों को रोकना पड़ेगा मार्केट में घुसने से। अगला आर्गुमेंट है डाइवर्सिफिकेशन आर्गुमेंट। इस आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते हो तभी बैलेंस ग्रोथ हो पाएगी, तभी डाइवर्सिफिकेशन हो पाएगा, यानी कि एक देश डिफरेंट डिफरेंट गुड्स का प्रोडक्शन तभी कर पाएगा जब डाइवर्सिफिकेशन तभी कर पाएगा जब वो प्रोटेक्शन पॉलिसी का यूज करे, यानी कि विदेशी कंपटीशन को देश में आने से रोके। अदरवाइज किसी एक चीज की ग्रोथ हो पाएगी और बाकी की चीजों की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो अगर आपको बैलेंस ग्रोथ करनी है, तो अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो आपको प्रोटेक्शन पॉलिसी का यूज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंट कहता है कि प्रोटेक्शन हमें हमेशा नहीं करना, बस तब तक करना है जब तक कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन्फेंट हो, बच्चा हो, छोटी हो, अनडेवलप्ड हो, तभी तक हमें उसे प्रोटेक्ट करना है। और एक बार जब वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्ट हो जाती है, जब 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 वो बड़ी हो जाती है, तो आप चाहो तो उसको विदेशी कंपटीशन से के लिए छोड़ सकते हो। लेकिन जब तक डोमेस्टिक इंडस्ट्री इस काबिल नहीं हो जाती कि वो फॉरेन कंपटीशन का सामना कर सके, तब तक आपको डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि एक विदेशी कंपनी है मैकडोनाल्ड की, उसके आगे अगर आप कोई चाय की दुकान वाले को फ्री छोड़ दोगे या जूस की दुकान को फ्री छोड़ दोगे, तो वो उसको खत्म कर देगी, क्योंकि वो बड़े बड़े स्केल पर अपना प्रोडक्शन करती है, उसके यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा लाइटिंग है। तो इसके लिए जरूरी है कि उस जो छोटी दुकान है, छोटी कंपनी है, उसको आप विदेशी कंपटीशन से प्रोटेक्ट करके रखोगे। तो ये प्रोटेक्शन तब तक रहेगा जब तक कि वो इन्फेक्ट है। अगला जो आर्गुमेंट है वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड आर्गुमेंट। देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड को अगर आपको बैलेंस करना है, तो आपको अपने एक्सपोर्ट, अगर आपका अनफेवरेबल है तो आपको अपने जो एक्सपोर्ट है उनको इंक्रीज करना पड़ेगा, और इंपोर्ट को डिक्रीज करना पड़ेगा। इसके लिए प्रोटेक्शन जरूरी है। अगला है कीपिंग मनी एट होम आर्गुमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस आर्गुमेंट, अगर आप अपने पैसे को अपने देश में रखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा विदेशों में ना जाए, तो आपको अपने कंपनीज को, अपने इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा फॉरेन कंपटीशन से। नेक्स्ट है एक्सपेंडिंग होम मार्केट आर्गुमेंट। अगर आपकी मार्केट में कोई विदेशी कंपनी आकर गुड्स बेचेगी, तो आपकी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो एक्सपेंड ही नहीं कर पाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी डोमेस्टिक मार्केट
एक्सपेंड करे, तो इस आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। इसी तरीके से लास्ट है डिफेंस आर्गुमेंट, यानी कि अगर आप अपनी डिफेंस अगर फॉरेन मार्केट पे छोड़ दोगे, फॉरेन इंडस्ट्री पे छोड़ दोगे अपना डिफेंस, तो ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है। यानी कि अपने डिफेंस को उसको अपने पास रखने आए भी पड़ेगा, और इसके लिए प्रोटेक्शन जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक।